और खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर शिक्षा के मंदिर को भी चोरों ने नहीं छोड़ा। बीती रात भिंगा कोतवाली के अंतर्गत आने वाले प्रावन प्राथमिक विद्यालय में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। विद्यालय प्रबंधन की तरफ से जानकारी दी गई है कि गैस सिलेंडर और किचन का जो भी सामान रखा हुआ था, चोर अपने साथ लेकर के चले गए। तकरीबन 50,000 से अधिक का नुकसान करके चोर यहाँ पर गए हैं। देखिए किस तरीके से रात के अंधेरे में, ठंडी का मौसम है आप लोग जानते हैं, रात के अंधेरे में चोरों ने प्राथमिक विद्यालय का ताला तोड़ा है। और जो किचन में सामान रखा रहता है, तो बच्चों के इस्तेमाल के लिए, बच्चों के खाना बनाने के लिए जो सामान रहता है, अनाज वगैरह, सिलेंडर वगैरह, बर्तन वगैरह, सब कुछ चोर अपने साथ उठा करके लेके चले गए हैं। इसकी सूचना विद्यालय प्रबंधन की तरफ से भिंगा कोतवाली की पुलिस को दी गई है। भिंगा कोतवाली की पुलिस जाँच पड़ताल कर रही है। दरवाजे का ताला तोड़ा है, कुंडी तोड़ी है। देखिए किस तरीके से दरवाजे पर प्राथमिक विद्यालय प्रावन शिक्षा क्षेत्र हरियर पुरानी जनपद श्रावस्ती, यहाँ पर किचन का सामान रखा हुआ था, इसको चोरों ने अपना निशाना बनाया है। विद्यालय प्रबंधन की तरफ से भिंगा कोतवाली को एक प्रार्थना पत्र दिया गया है। आइए यहाँ के अध्यापकों से बात करते हैं। कौन सा विद्यालय, क्या मामला है? पारावन गन्या और ये चोरी हुई है, भगोना और लगे और का नाम गैस। लगभग कितने कितने हजारों की चोरी हुई? 17,000 का तो चोरी हो गई। थाने में तहरीर दे दे, पुलिस क्या कार्रवाई करे? थाने में दिया गया है। क्या पुलिस क्या कहे? अब वो जांच पड़ताल करके कार्रवाई होगी। विद्यालय में चोरी हुई है, आपका क्या नाम है, क्या मामला है? मेरा नाम अमित तिवारी है। मैं जब आज अपने विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए उपस्थित हुआ, तो मैंने पाया कि हमारे विद्यालय कार्यालय का ताला टूटा पड़ा है, साथ ही साथ रसोई घर का भी ताला टूटा पड़ा था। विद्यालय से काफ़ी सामान चोरी हो गया है, जिसमें से सिलेंडर है, साउंड स्पीकर है, प्लेट गिलास कुर्सी टायर पट्टी, काफ़ी सामान गायब है। मैंने जो है थाने में जो है प्रथम रिपोर्ट दर्ज करा दी है और मुझे यह आश्वस्त किया गया है कि शीघ्र ही जो है उचित कार्रवाई। कौन से विद्यालय के आप मास्टर? प्राथमिक विद्यालय पारावन की यह घटना है जो है।